वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों का मौसम आते से ही हमें याद आता है क्रिसमस का त्योहार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिसमस थीम पर एक मिनिएचर गार्डन बनाना बताऊंगी, जिस मिनिएचर गार्डन को आप अपने घर में भी सजा सकते हैं और आप चाहें तो क्रिसमस गिफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये बच्चों को देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिसमस गार्डन के लिए मैंने कुछ फिगरीन लिए हैं। ये हैं विंटर क्लोथ पहने बॉयज एंड गर्ल्स, साथ में एक स्नो हाउस, स्नोमैन, पेंगुइन का पेयर है, ये एक पेंगुइन का पेयर है, और इसके साथ साथ द डियर मोस्ट सांता क्लॉज। तो और ये एक यूनिकॉर्न है मेरे पास, साथ में कुछ क्रिसमस ट्री। तो ये ओवल शेप का पॉट है। और एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि लैक्स हो तो बहुत अच्छा रहता है, इससे पानी मतलब एकदम जमीन पर नहीं जाता पॉट। और साथ में ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ड्रेनेज होल को कवर किया है मैंने, उल्टी साइड से एक ठीकरी लगा दी है। उल्टी साइड से लगानी चाहिए, सीधी साइड से अगर हम लगाएंगे तो इसमें वाटर ड्रेन प्रॉपरली नहीं होगा। सॉइल मिक्सचर, सिंपल सा सॉइल मिक्सचर है। सॉइल मिक्सचर में मैंने लिया है 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 कोकोपीट और 1/3 वर्मी कंपोस्ट, और साथ में थोड़ी सी मैंने इसमें नीम खली मिलाई। इस क्रिसमस थीम को बनाने के लिए मैंने जो प्लांट सिलेक्ट किया है वो है सेंसिवेरिया का प्लांट। तो आइए फटाफट हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले पॉट को हमने गार्डन सॉइल से फिल कर लिया है। पॉट को फिल करने के बाद सबसे पहले मैं जो लगाऊंगी वो इसमें प्लांट है। ये ऑलरेडी मेरा प्लांट लगा हुआ है, डाफ वैरायटी है ये सेंसिवेरिया की। सेंसिवेरिया का प्लांट बेडरूम प्लांट माना जाता है और ये हार्श कंडीशन में भी बहुत अच्छे से टिक जाता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। कई सारी वैरायटीज आती है, ये मेरी डाफ वैरायटी का प्लांट है और इसे मैं सेट करूंगी इधर कॉर्नर में। लगा दिया है मैंने इसे अच्छे से। वाटर रिक्वायरमेंट भी इस प्लांट की बहुत कम होती है, हफ्ते में आप एक बार पानी दे दीजिएगा, इट इज मोर देन इनफ फॉर इट। और उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने फिगर्स। तो ये आया मेरा हाउस, इसके पास में है सैंट स्नोमैन, साथ में मेरे ये विंटर वाले बच्चे जो कि स्नोमैन बना रहे हैं, खेल रहे हैं। यूनिकॉर्न लगा हुआ है और यहाँ पर लगे हैं मेरे ये पेंगुइन्स और साथ में आगे आगे सांता क्लॉज। पीछे ये आर्टिफिशियल कुछ ट्रीज हैं जिन्हें मैंने सेट किया है। और इसमें स्नो का इफेक्ट देने के लिए मैं ये सैंड यूज करूँगी। ये सैंड आपको आसानी से मिल जाएगी किसी भी टॉय शॉप पे या जहाँ से आप, अमेजोन पे भी ये अवेलेबल है। चूंकि ये प्लांट मैंने अभी अभी लगाया है तो इसमें मैं हल्की सी वाटरिंग कर दूंगी और वाटरिंग साइड से करेंगे तो इनफ रहेगा, जिससे प्लांट सेटल हो जाएगा आराम से। और इसी प्लांट को थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक देने के लिए हम कुछ फेयरी लाइट्स लगाएंगे। तो ये फेयरी लाइट्स हैं, बाजार में आसानी से मिल जाती है। मैं इसे इसको डेकोरेट कर दूंगी फेयरी लाइट से पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये मिनिएचर गार्डन पसंद आया होगा। और इस तरह की कई मिनिएचर गार्डन के आइडियाज मेरे चैनल पर हैं, सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको इस तरह के मिनिएचर गार्डन बनाना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।